दोस्तों आज के डेट में हमारे पास एक स्ट्रांग पासवर्ड होना जरूरी हो गया है, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में हम लोग सब कोई सोशल मीडिया में एक्टिव रह रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ भी पासवर्ड का जरूरत पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह करते हैं दोस्तों, वहाँ भी पासवर्ड का जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर एक स्ट्रांग पासवर्ड हमारे पास ना हो तो दोस्तों हमारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों वो सारे दूसरा कोई बड़े आराम से चुरा सकता है। तो दोस्तों ऐसे में स्ट्रांग पासवर्ड बनाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रांग पासवर्ड तो हम लोग बना लेते हैं लेकिन दोस्तों उसके बाद उसको हम लोग को याद नहीं रहता, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि हम लोग को बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इसीलिए इस वीडियो आपके लिए मैं ले आया हूँ, ताकि दोस्तों इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मैं बता सकूँ कि कैसे एक स्ट्रांग पासवर्ड को जनरेट कर और दोस्तों उसको कैसे हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसका मदद से आप एक स्ट्रांग पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं दोस्तों, बड़ी आसानी से उसको याद भी रख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपका अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि एक स्ट्रांग पासवर्ड कैसे जनरेट करें और उसको याद कैसे रखें। दोस्तों जहाँ तक बात है पासपोर्ट की, तो दोस्तों आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पासपोर्ट के जगह में हम लोग अपना नाम को लिख देते हैं दोस्तों। घर वाले किसी का नाम को लिख देंगे, बहुत कोई तो दोस्तों गर्लफ्रेंड का नाम भी लिख देता है दोस्तों। बहुत कोई क्या करते हैं कि ऐसे में पासपोर्ट के जगह में अपना जो है फोन नंबर को डाल देता है। तो दोस्तों ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो भी आपका पासपोर्ट को हैक करने की कोशिश करेंगे वो दोस्तों सबसे पहले यही सब चीज़ से शुरू करेंगे। मतलब दोस्तों जो आपका पासपोर्ट को हैक करने की कोशिश करेंगे वो सबसे पहले आपका नाम से ट्राई करेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर, घर वाले सबका नाम से दोस्तों वो सारी चीज़ को ट्राई करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में ये सारी चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आप दोस्तों एक सिक्योर पासवर्ड कैसे बनाएं और उसको याद कैसे रखें, उसी के बारे में दोस्तों अभी हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस वीडियो को आप बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से सुनिएगा, ताकि दोस्तों सारे चीज़ आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक नाम को चॉइस करना है दोस्तों, नाम को चूज करना है जिस नाम को दोस्तों हमेशा आप याद रख सकते हैं। वो खुद का नाम हो सकता है, आपका घर वाले का नाम हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड का नाम हो सकता है, मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी नाम हो सकता है। दोस्तों ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले तो ये बंदा बोल रहा था कि कोई नाम का पासवर्ड नहीं रखना है, तो अभी कैसे बोल दे रहे हैं नाम को चॉइस करने। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, नाम तो चॉइस करना है, इसीलिए चॉइस करना है ताकि दोस्तों उसका याद रख पाए, ताकि याद रखने में आपको आसानी हो सके, दोस्तों नाम को चॉइस करना है। लेकिन दोस्तों उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको अप्लाई करने का तरीका दोस्तों दूसरा है। जैसे कि दोस्तों मेरा नाम है राज, ऐसे में दोस्तों जब पासपोर्ट में हम अपना नाम लिखेंगे तो दोस्तों आर जे राज को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे RZZ। हाँ दोस्तों फिल्मी वाला राज। तो ऐसे अगर आपका नाम के साथ हो सकता है तो सबसे बढ़िया, अगर दोस्तों नहीं हो सकता तो दोस्तों कोई बात नहीं, उसका भी तरीका है। जैसे कि दोस्तों मेरा नाम है राज, तो दोस्तों हम जब अपना नाम का पासपोर्ट क्रिएट करेंगे तो दोस्तों हम अपना नाम को कैसे लिखेंगे, RJ ऐसे ना लिख के RZZ लिखेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो शुरू वाला दो अक्षर है दोस्तों, जैसे आर और ए, ये दोनों को दोस्तों हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद दोस्तों दो अक्षर और बचा रहा है ए और जेड, दोनों को दोस्तों हम लिखेंगे स्मॉल लेटर में। दोस्तों समझ में आ गया, मतलब दोस्तों जो शुरू वाला दो अक्षर है उसको दोस्तों हम लोग लिखेंगे कैपिटल लेटर में और लास्ट वाला दो अक्षर को हम लोग लिखेंगे दोस्तों स्मॉल लेटर में। ऐसे में दोस्तों अगर आपका नाम 6 अंक का है दोस्तों, शुरू वाला 3 अक्षर को आपको लिखना है कैपिटल लेटर में, लास्ट वाला 3 अक्षर को आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। ऐसे में दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं कि एक स्मॉल लेटर एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर एक कैपिटल लेटर, ऐसे भी करके दोस्तों आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। दोस्तों ऐसे में क्या हुआ कि आपका नाम का पासपोर्ट भी बन गया, जिसको दोस्तों बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों साथ में ये पासपोर्ट जो है स्ट्रांग भी हो गया। तो दोस्तों ये सिलसिले ही खत्म नहीं होता है, इसको दोस्तों और भी ताकतवर बनाया जा सकता है, और भी दोस्तों स्ट्रांग बनाया जा सकता है आपका पासवर्ड को। कैसे दोस्तों, आपका नाम के साथ कैसे कैसे करना है दोस्तों आपको मैं बता दिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, #@, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क, ऐसे दोस्तों कोई 3 चीज़ को चॉइस करना है, चाहे 3 भी कर सकते हैं आप, 4 भी कर सकते हैं। मतलब आपका नाम को नाम के साथ पहले वैसे करना है जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों #@ क्वेश्चन मार्क, ऐसे दोस्तों 3-4 को दोस्तों आपको चॉइस करना है। दोस्तों सबसे पहले तो आपका नाम को वैसे लिखना है जैसे दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे हैश हो गया, @ हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, एरो का चिन्ह हो गया, दोस्तों ये सारे चीज़ को उसमें आपको ऐड करना है। मतलब पहले आपका नाम को लिख लेना है जैसे दोस्तों के पहले आपको मैं बताया वैसे, उसके बाद दोस्तों ये सारे चिन्ह को दोस्तों उसमें ऐड करना है। हो गया दोस्तों, उसका बाद जो है आप कोई भी नंबर को डाल सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, लास्ट 4 अंक है दोस्तों, बीच का 4 अंक है दोस्तों, कोई आपका लकी नंबर हो गया, 4 लकी नंबर, उसको दोस्तों इसमें आप डाल सकते हैं। मतलब सबसे पहले आपका नाम के साथ खेलना है जैसे दोस्तों आपको मैं बता दिया वैसे। उसके बाद दोस्तों कुछ चिन्ह को जैसे @ हो गया, आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, ऐसे दोस्तों 3-4 चिन्ह को उसके बाद डालना है। उसके बाद दोस्तों आप कोई भी 4 अंक या 5 अंक का दोस्तों एक संख्या उसमें लगा दीजिए। दोस्तों ऐसे में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि दोस्तों ये जो आप ##, ये सब आप इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, इसको कौन वाला को पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन वाला दूसरा नंबर में आ रहा है दोस्तों, ये सारी चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों ये सारी चीज़ को कैसे याद रखें दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों जैसे आपका मोबाइल फोन का कीपैड हो गया दोस्तों, ऐसे में कौन वाला पहले आ रहा है, #, पहले आ रहा है या दोस्तों @ पहले आ रहा है या दोस्तों कैरो का चिन्ह पहले आ रहा है दोस्तों, ये सारी चीज़ दोस्तों आपका कीबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। ऐसे में दोस्तों ये सारी
चीज को अपना कीबोर्ड से सीधा साइड से लगा सकते हैं, मतलब कीबोर्ड में जैसे जो वाला पहले आ रहा है, जो वाला सेकंड में आ रहा है, जो वाला थर्ड में आ रहा है, ऐसे में दोस्तों डायरेक्ट वैसे भी लगा सकते हैं दोस्तों, इसको उल्टा साइड से भी लगा सकते हैं, मतलब थर्ड वाला पहले आएगा, सेकंड वाला सेकंड में आएगा, फर्स्ट वाला लास्ट में आएगा, ऐसे भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि दोस्तों आपका आसानी से याद भी रहेगा कि भाई हम उल्टा लगाए कि सीधा लगाए और कौन कौन वाला इस्तेमाल किया दोस्तों, ऐसे में आपको बढ़िया आसानी से याद रह जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना नाम के द्वारा एक स्ट्रांग पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और दोस्तों उसको बढ़िया आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो चीज़ को आप समझ चुके होंगे। दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, कोई चीज़ हमसे छूट गया तो दोस्तों प्लीज़ उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जोर से जोरी कोशिश करेंगे उसके बारे में जवाब देने की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो आपको अच्छा लगा और दोस्तों आगे चल के वीडियो आपके लिए काम का साबित होगा। दोस्तों ऐसे में अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त अपने फैमिली वाले के साथ, ताकि दोस्तों उन लोग भी बड़ी आसानी से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सके। और दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो अगर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो में रोजाना आपके लिए लाते रहता हूँ। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।